ए भिखारी, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, चलो। भिखारी नहीं हूँ भाई, हमें। अबे तुम दोनों? हाँ। कब है? नाटक नौटंकी में हिस्सा ले लियो या सच में पिट के आए हो? अरे नहीं, फूल की बारिश हुई है, चंदन टीका हुआ है। अरे मर गए। कौन है साला जो हमसे पिटना चाहता है? अरे शहर से कोई आया है, पार्वती के साथ घूम रहा है, हमें घुमा के लक्ष्मी के स्कूल चला गया है। लक्ष्मी? हाँ। तुझे पता है ऊपर वाले ने एक दिन की छुट्टी ली थी और उसने अपने सारे काम छोड़ के एक हूर को तराशा था। कौन? लक्ष्मी। हाय लक्ष्मी, रंजीत का दिल तो तेरे ऊपर कब का आ चुका है। मां कसम, एक बार मिल जाए ना ये। पारो बेटा, ऐसे नहीं करते, प्लीज मेरी भी बात समझने की कोशिश करो। मैं रोहन को नहीं छोड़ सकता यहाँ पे। चलो मैं काम करता हूँ, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ और मैं और रोहन वहीं से निकल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच, तुमने बहुत ज्यादा मदद की हमारी। थैंक यू। कट्टी बोलो ना, मुझे माँ के पास छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल के गेट के पास छोड़ देना, खुद अंदर चली जाऊंगी। बहुत ब्रेव हूँ मैं, देखा था ना उन गुंडों की कैसे पिटाई की थी। पारो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश। कट्टी बोलो ना, कट्टी। ओके पारो, आई एम सॉरी, मैं हार गया। मैं रोहन को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। ओके, हैप्पी? नहीं, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है पारो। आप जो बोलोगे वो करूंगी, बताओ क्या करना है। जहाँ पे सारे बच्चे रहने वाले हैं, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ। अब तक तो वो बहुत अच्छी बन चुकी होगी, माँ का मैजिक चला होगा ना, माँ कभी अधूरा काम छोड़ती नहीं है। चलो फिर तुम्हारी मॉम का मैजिक देख ही लेते हैं। दी अब सब सही हो गया है, बस तेरी मेहनत सफल हो जाए और ये मिस्टर ओबेरॉय तुझे फंडिंग दे दे। अच्छा चल, मैं खेत में जाती हूँ, तू बाकी का काम निपटा के आ जा। ओके बाय। बाय। दी खुद अच्छी है तो बस किसी पे भी भरोसा कर लेती है। अब इस बंदे पे भी उम्मीद लगा के बैठी है दी, पर मुझे तो नहीं लगता कि ये जो भी मिस्टर ओबेरॉय है ये कोई फंडिंग वंडिंग देने वाला है। सॉरी। ये तो वही फंडिंग वाला होगा, जाने दो, मुझे बात ही नहीं करनी इससे। वैसे भी ये ओबेरॉय है, शक्ल ही नहीं देखनी इसकी। तो सर आप यहाँ पर कुछ चाहिए था? नहीं कुछ नहीं चाहिए। बड़ी अजीब है, मैंने सॉरी बोला और ये एटीट्यूड दिखा रही है, कुछ बोला भी नहीं। एनीवेज़।